नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज मैं लेके आया आपके लिए लक्ष्मी साधना के मंत्र। इस साधना के द्वारा आप सभी प्रकार के धन दौलत से लाभ पा सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दीपावली के पूर्व पूर्णिमा को आपको विधि विधान पूर्वक इसे आमंत्रित करना है। पीपल के पेड़ के जड़ को लेके आना है। पीपल के पेड़ के जड़ को लाने उसे आमंत्रित करके, ठीक है, दीपावली के पूर्ण मतलब पूर्व पूर्णिमा के दिन से, और उसे नित्य प्रतिदिन स्नान कराने हैं, श्रद्धा भक्ति से उसे प्रणाम करने हैं, और उसे धूप और अगरबत्ती तथा प्रसाद आदि चढ़ाना है, ठीक है। और दीपावली के रात्रि में दीप मालिका प्रज्वलित करके पीपल की जड़ को आसन के नीचे रख कर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसे करना है, ठीक है। मंत्र है दोस्तों, लक्ष्मी माई विष्णु के लोगाए, ओ माई आंगन में विराजो, घर में भंडार भरो, चांदी सी बरसो, तारे सी चमको, जो न पधारो तो पति की सेज भूलो, चंडू चंडाल की भोग बनो। आदेश गोरखनाथ मच्छंदर का दुहाई सा समंदर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा। मंत्र एक बार और बता दें दोस्तों। मंत्र, लक्ष्मी माई विष्णु की लोगाए, आओ माई आंगन में विराजो, घर में भंडार भरो, चांदनी सी बरसो, तारिन सी चमको, जो न पधारो तो पति की सेज बोलो, चंडू चंडाल की भोग बनो। आदेश गोरखनाथ मच्छंदर का दुहाई सा समंदर की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा। तो दोस्तों, दीपावली की इस रात्रि में इस मंत्र का जितना भी जप हो सके करना है आपको, रात्रि में जागरण करते हुए उतना जप करना ही चाहिए। इसके पश्चात नित्य प्रतिदिन आप स्नान करके अपने आसन के नीचे पीपल के मूल को रखकर इस मंत्र का जो 100 बार जप करते रहना है, ठीक है। निरंतर इस प्रकार जप करते रहने से साधक के घर परिवार में माता लक्ष्मी का वैभव धीरे धीरे से प्रकट होने लगता है दोस्तों। मंत्र जप के दौरान दृष्टांत स्वप्न में साधक अपने घर के आंगन में सोना अलंकारों से विभूषित सिद्ध एक अत्यंत सुंदर युवती के प्रवेश करते हुए दर्शन देंगे दोस्तों। इसके पश्चात वह युवती घर में प्रवेश करते हुए दिखाई देगी। वास्तव में दोस्तों, यह युवती माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होगा। साधक जैसे जैसे मंत्र बल पड़ता जाएगा, माता लक्ष्मी के चतुर्दिक वैभव स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगेगा दोस्तों। ऐसे में साधक को सदैव स्त्री और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा देवी देवताओं में श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर साधक को दान पुण्य भी करते रहना चाहिए दोस्तों। अपने पूजा स्थान पर लक्ष्मी जी की फोटो को रखकर इनके सामने पोड़ी हलवा मिष्ठान आदि का भोग अर्पित करना है। लक्ष्मी स्थायी रूप से इस घर में विराजमान हो ऐसी प्रार्थना करते हुए गृह स्वामी मन कम से कम इस मंत्र को एक माला जप करना है। जो इस मंत्र को बता रहा हूँ उसे कम से कम एक माला मंत्र सुन ले दोस्तों, यह लिख लें। मंत्र है, गोरा सूत गुरु कहे सहाई, सुख बरकत घर आंगन आई, कहाँ कहाँ से आई, राज दरबार से, खेत खलिहान से, जमीन आसमान से, देव धनुष मानव से, सकल दिवस से, नवनाथ 84 सिद्ध खींच घसीट घसीट। पछीट पछीट कर लावे, दुख दलितर भागे कौन कौन भगाए, राजा कुबेर भगाए, राजा रामचंद्र जी भगाए, हनुमान को होटा, भैरू को सोटा, नरसिंह की हुकार, काली कलकत्ते वाली के जयकार, दुहार गिरनार के फल अवरूद की, नाथन के नाथ शंकर की मरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा। मंत्र एक बार बता दें दोस्तों, मंत्र गोरा सूत गुरु करे सहाई, सुख बरकत घर आंगन आई, कहाँ कहाँ से आई, राज दरबार से, खेत खलिहान से, जमीन आसमान से, देव धनुष मानस से, सकल दिवस से, नवनाथ 84 सिद्ध खींच घसीट घसीट, पछीट पछीट कर लावे, दुख दलितर भागे कौन कौन भगाए, रजक कुबेर भगाए, राजा रामचंद्र जी भगाए, हनुमान को गोटा, भैरव को सोटा, नरसिंह की ओकार, काली कलकत्ते वाली की जयकार, दुहाई गिरनार के बाल अवधूत की, नाथन के नाथ शंकर की मरी भक्ति गुरु की शक्ति मंत्र साचा। तो दोस्तों, यह जब पूरा होने के पश्चात नाग प्रतिमा तथा नाग फन के किलो को सुरक्षित रखना है। अवशेष सामग्री को उसी सफेद कपड़े या लपेट कर किसी नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर देना है। और पूजन करते हुए लक्ष्मी जी का चित्र रखने से भी अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। यदि बाईं ओर के अंतिम सिरे पर गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित हो जाए तो अति उत्तम है। यह सुख संपदा को प्राप्त होते रहता है दोस्तों हमेशा के लिए। जो लास्ट मंत्र एक बार और बता दें, आपके डाउट क्लियर कर हो जाएगा इस बारे में। एक बार सुन लीजिए मंत्र। मंत्र है,
गोरा सूट गुरु करे सहाई, सुख बरकत घर आंगन आई। कहां कहां से आई? राज दरबार से, खेत खलियान से, जमीन आसमान से, देव धनुज मानव से, सकल दिवस से, नौ नाथ चौरासी सिद्ध, खींच घसीट घसीट पछीट पछीट कर लावे। दुख दलिद्र भागे कौन भगाए, राजा कुबेर भगाए, राजा रामचंद्र जी भगाए। हनुमान को गोटा, भैरव को सोटा, नरसिंह की ओकार काली, कलकत्ते वाली की जयकार। दुहाई गिरनार के बाल अवधूत की, नाथन के नाथ शंकर की, मरी भक्ति गुरु की, शक्ति मंत्र सांचा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।